तो नमस्कार, आज है 5 मई सन 2024 रविवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम मसालों के अंदर सौंफ के ऊपर करेंगे विशेष चर्चा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी हमारी विशेष अपडेट सौंफ के ऊपर। हमने निचले स्तरों पर आपको कुछ तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था जो कि सत्य साबित हुआ था। जानिए साप्ताहिक खबर सौंफ को लेके। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि गुजरात राजस्थान में सौंफ की कमजोर आवक और किराना बाजार में बाइंग को देखते हुए तेजी का रुख सप्ताह के दौरान देखा गया। सप्ताह के दौरान सौंफ के दामों में 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई। विशेषकर यदि हम गुजरात के में देखें तो गुजरात के ऊंझा में पिछले एक सप्ताह के दौरान लगभग 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार बोरी की असाप्ताहिक आवक के समाचार मिल रहे हैं। और भाव देखें तो एवरेज भाव 10,500 से 13,000, मीडियम बेस्ट क्वालिटी 15,000 से 16,000 और बढ़िया 18,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के दाम बताए जा रहे हैं। सबसे शानदार क्वालिटी जो आबू रोड की बारीक हरे क्वालिटी के जो दाम है वो 28,000 से 30,000, मीडियम 24,500 से 25,500 रुपए प्रति क्विंटल पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। राजस्थान की तरफ ले चलते हैं। राजस्थान के मंडियों में लगभग 20 से 22 हज़ार बोरी की आवक के समाचार मिल रहे हैं और वहाँ पे मीडियम क्वालिटी के सौंफ के दाम 13,200 से 13,700, मीडियम बेस्ट 15,000 से 16,000 और बढ़िया शानदार 17,800 से 18,500 बताए जा रहे हैं। बारीक हरा माल 20,000 से 23,000 रुपये प्रति क्विंटल पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, सौंफ के ऊपर आपको याद होगा कि सौंफ के अंदर पिछले साल शानदार तेजी के अग्रिम विश्लेषण हमने आपको दिया था और उसके बाद अगस्त 9 सितंबर के बाद सौंफ के दामों में गिरावट का भी अग्रिम अनुमान हमारा सत्य साबित हुआ था। दोस्तों, इस बार सौंफ के दामों में पिछले साल के मुकाबले काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन क्या निचले स्तरों पर सौंफ की खरीदारी की जानी चाहिए या रुकना चाहिए, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।